Hi, this is me, Dietitian Shreya, and you're watching Eat Right Diet with Dietitian Shreya. आज का टॉपिक है एग्जाम्स. वो डेलिकेट टाइम जब आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए या किसी एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, चाहे आपकी एज 6 साल हो, 7 साल हो, या आप जा रहे हो अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए. ये एक टाइम है जब आपने जो साल भर स्टडी की है, वो जो मेमोराइज किया है, उनको पॉइंट डाउन करने का, जॉट डाउन करने का. आप अपना पेन यूज़ करेंगे, फटाफट से जो आपके दिमाग में है लिखोगे, पर वो दिमाग को तेज़ कैसे करना है पूरा साल. और अभी एग्जाम्स के लिए आई विश यू रियली अ गुड लक. आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे मेरे टिप्स के साथ. तो टिप्स क्या है, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं. आपने क्या करना है जब आपके एग्जाम्स हैं या अदरवाइज भी, आप डार्क चॉकलेट जिसका कोको कंटेंट अच्छा है, 70% है, 40% है, 50% है, और अगर आप वेट वॉचर्स हो तो डेफिनेटली स्टीविया कंटेंट के साथ, अगर नहीं हो, अगर आप बच्चे हो तो आप चॉकलेट्स ले सकते हैं, आधा पीस से लेके एक पीस. आपको मीठा खाना है. चॉकलेट में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके मेमोरी को शार्प करता है. इसमें कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, जो एक्चुअली आपके मेमोरी को इन्हांस करने में हेल्प करेगा. सो चॉकलेट इज द की. यू कैन एंजॉय योर चॉकलेट, हाँ, बट रिमेंबर इन स्मॉल अमाउंट. हाँ, नेक्स्ट इज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. जब भी आपको लगता है कि आपका जो टाइम है, आपका जो टाइम गैप है, वो 3-4 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो बीच में आप मंचिंग कर सकते हैं. मंचिंग क्या, बच्चों को वैसे भी पसंद है मंचिंग करना, तो मंचिंग में क्या कर सकते हैं, रोस्टेड नमकीन्स होती हैं, या जैसे कि आप खाकरा खा सकते हो, आप किनुआ पफ नमकीन ले सकते हो, आप बाजरा, मूंगफली, ऐसी कोई चीज़ें आप ले सकते हो, मल्टीग्रेन स्नैक्स ले सकते हो बीच में. नमक बहुत ज़्यादा आपके डाइट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक से वाटर रिटेंशन हो सकता है और आपकी मेमोरी भी थोड़ा सा ब्लॉक हो सकती है. तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पर बीच में मंचिंग के लिए मखाने, सेसमे सीड्स, किनुआ. अब ये जो मेरे पास है, मैं अपनी जो डॉटर को देती हूँ, वो ऐसे मैं उसके किनुआ उसके पास रख देती हूँ. हमारे पास, हमारे क्लिनिक में आपको ये नमकीन्स मिल जाएंगी. हमने ज्वार, बाजरा, किनुआ, इन सबको पफ करके रखा हुआ है, तो आप ये सब चीज़ें मिलेट्स को पफ करके ले सकते हैं, या अमेरन को खुद ही पफ कर सकते हो, या मखाने उनके पास रख दो रोस्ट करके, थोड़ा सा घी में वो मखाने भी ले सकते हैं. मखाने भी बहुत अच्छे कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोर्स होता है. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ग्रेन बेरीज, इनका एक ड्राइड मिक्सचर आता है. अगर सीजन नहीं है फ्रेश खाने का, तो आप ये वाली जो प्रिजर्व्ड होती हैं, ये भी ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा हो, आप खुद ही ड्राइड ले सकते हो. बेरीज बहुत ज्यादा काम आती हैं मेमोरी को इन्हांस करने के लिए. उसके अलावा पम्पकिन सीड्स, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था कि पैरट्स को खिलाते हैं, और पैरट्स एक्चुअली आपका नाम बोल रहे थे, और जो उनके ट्रेनर्स थे उनके पीछे वो उस चीज़ को रिपीट कर रहे थे. तो पैरट्स की मेमोरी कैसे शार्प की, पम्पकिन सीड्स के साथ. तो अगर आपको एक मिट्ठू बनना है, तोता बनना है, तोते की तरह रटना है, और आपको अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है, तो क्या करना है, पम्पकिन सीड्स खाने हैं. मैंने ये पम्पकिन सीड्स रोस्ट करके रखे हुए हैं, और अपने मैंने बेटी के लिए इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया हुआ है. मैंने मसाले में इसको किया था, कई बार मैं ऑरिगैनो में करती हूँ इसको, तो अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, और क्रंचीनेस इसमें एक्चुअली बहुत टेस्टी होती है. तो पम्पकिन सीड्स आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो बैठे बैठे पढ़ाई करते हुए कैलोरीज नहीं इनटेक करेंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स इनटेक करेंगे. पम्पकिन सीड्स में मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब चीज़ें हैं. अगर मैंने बात की है कॉपर की, तो कॉपर कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कॉपर की बॉटल्स. अगर आप अपने बच्चों को प्लास्टिक में पानी देते हैं, तो वो बंद कर दीजिए. आप उनके बेड साइड पे पानी रखिए, पानी भी आपको मेमोरी इन्हांस करने में हेल्प कर सकता है. सो एक कॉपर की बॉटल आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, उसमें पानी रखिए उनका, और वो जब पानी पियेंगे तो कॉपर एक जो मिनरल है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो भी आपके अंदर जाएगा, और आपकी मेमोरी इतने छोटे से टिप के साथ इन्हांस हो जाएगी. हमारा जो नेक्स्ट टिप है, वो है हमारे घर का एक फेवरेट पत्ता. मेरी मम्मा का भी ये फेवरेट है, इसको हम लोग तेज पत्ता कहते हैं. अब जिसे इसका जो नाम है तेज पत्ता, इसका नाम तेज पत्ता क्यों है, क्योंकि अगर आपको इसकी तरह तेज़ होना है, आपको इसकी तरह तेज़ मेमोरी करनी है, तो आपको ये पत्ता खाना है. कैसे खाना है, आप अपने खाने में तो यूज़ करते ही हो, चावलों में डालते हो, सब्जियों में डालते हो. उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी टी बनाती हूँ. क्योंकि जब आप लोग आते हो ना मेरे पास और बोलते हो, मैम हमारा ये केस है, मुझे राजमा पसंद है, आप मुझे राजमा देना, आप मुझे ओट्स मत देना, तो वो मैं सब चीज़ें याद रखती हूँ इसके थ्रू. कैसे, आप इसको बॉइल कर लीजिए पानी में. अगर आप फ्रेश पत्ता यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको पानी में बॉईल करो. इसको सेज लीफ कहते हैं, या इसको तेज पत्ता कहते हैं. सेज टी आपको ऑनलाइन भी मिलती है, मार्केट से मिलती है, हमारे क्लिनिक्स में भी मिलती है. तो ये सेज टी अगर आप दिन में 2 या 3 कप अपने बच्चों को दोगे, इसमें कैफीन नहीं है. आप इसको टी मत सोचो, आप इसमें कैफीन नहीं है, निकोटीन नहीं है, टैनिन नहीं है, कुछ नहीं है. ये पत्ता सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स देने वाला है. और न्यूट्रिएंट क्या, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, इन सब में वही चीज़ें हैं. नेक्स्ट हमारा जो आता है,
हमारे ये कुछ सीड्स हैं, मैं अपने बेटी को जैसे पम्पकिन सीड मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने एक सीड मिक्सचर बनाया हुआ है। इसमें पम्पकिन सीड है, फ्लेक्स सीड है, सेसमे है, कैल्शियम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सिर्फ मेमोरीज की बात नहीं कर सकते, हमें बात ये भी करनी है कि आपका बच्चा हेल्दी हो, वेट उसका ज़्यादा ना हो, गेन पुट ऑन ना हो, कोई PCOD, कोई PCOS आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, आपके बच्चों को कोई माइग्रेन हेडेक नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये सब हेल्दी उनको रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है आप उनका विटामिन डी, विटामिन B12 और एच भी चेक कराओ। अगर आपके बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली उसकी मेमोरी उतनी इन्हांस नहीं होगी, चाहे हम ये सारे टिप यूज़ कर लें। तो द की पॉइंट इज जस्ट बी हेल्दी, ईट हेल्दी। थैंक यू सो मच।